हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या बात है, आज कपूर फैमिली से गेस्ट आए। हेलो रणधीर सर, हाय करिश्मा मैम। कपूर कितना ग्लैमर देखोगे, गेस्ट से मिलवाओ तो सही। नहीं, बात बता बुरी, बैठते आराम से बात करते हैं। क्या बात, सामने करिश्मा कपूर बैठी हो तो कैसे ऐसी बात बोल सकती है, कैसे आती दिमाग में ये क्रिएटिव चीजें। यहाँ पे तो कोई बैठा ना हो मैं तब नहीं तुझे देखता, आज करिश्मा कपूर बैठी है तो फिर मतलब पहले तो जाओ दिनेश का कोट वापस करके आओ, बैंड वालों का कोट मांग के आ गई है। Excuse me, ये बैंड वालों का नहीं, ये ब्रांड्स वालों के कपड़े हैं। ओके करिश्मा मैम, आप बताइए क्या कमी है मुझमें? यू आर लुकिंग फैब, यू आर फैब। बोलिए, देख लो। ये हमेशा ये बात ना ऑन कैमरा पूछती है कि क्या कमी है, कभी ऑफ कैमरा पूछ के देख। मैं तेरे को बताऊं फिर, आज तो अर्चना जी भी कह रही थी आज वो भी बुरी भी है, मैं कहा इसके मैं अलग से पैसे लूंगी क्या। अच्छी बात है, मेरी वजह से किसी के चार पैसे बन रहे हैं। उनके पहले 8 पैसे बनते थे, तुम्हारी वजह से 4 बन रहे हैं। इतने दिन कहाँ थी तुम भूरी? चिल पैलेस होटल है मेरा, तो मैं इसके और ब्रांचेस खोलना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं बड़े बड़े होटल्स में जाके रह रही थी, यू नो, टू डू सम R&D, ताकि उनके सर्विसेज के बारे में सीख सकूँ, यू नो। और आप कभी इनके होटल विजिट करिए, नाम है चिल पैलेस। अंदर जो आपको साबुन मिलेगा वो मिलेगा एमबी वैली। ग्लास के नीचे लिखा होगा शेट्टी बार एंड रेस्टोरेंट। मैं आपको क्या बताऊं, उस दिन तो किसी होटल में रहने की उनका नल उखाड़ के ले आए, उन्होंने पकड़ लिया, कहती है ये सविनियर है। तो ढंग की बात भी कर लिया, बुरी गेस्ट हमारे क्या सोचेंगे। सर आपकी फिल्म कल आज और कल मेरे पापा की फेवरेट फिल्म है। फेवरेट तो होनी थी सर, क्योंकि जब भी इनके पिता से कर्जा मांगने वाले आते थे कभी बोलते थे कल दूंगा, कभी बोलते आज देता हूँ, फेवरेट तो थी। करिश्मा मैम, आप प्लीज इसकी बातों को सीरियसली मत लीजिए। वो क्या है ना, कप्पू का ना सोनी के साथ एग्रीमेंट है कि हर मिनट हंसाना है, तो बस उसी चक्कर में बेचारा कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी करता रहता है। पूरा एग्रीमेंट सही जा रहा है, ये जो पाती है ना 5 मिनट बस ये खराब जाते हैं मेरे। देखो अगर ये खराब जाते ना 5 मिनट तो हमें इतना बड़ा सेट नहीं मिलता। वैसे बड़े से याद आया मैम, हमारे होटल में काफी बड़े बड़े लोग आते हैं, आपको भी आना चाहिए। हाँ, बड़े बड़े, उस दिन राजपाल यादव आए उनको छोटा पड़ गया कमरा। सीरियसली, राज कमरे में सो रहा था, पाल बाथरूम में लेटा हुआ था और यादव तो अंदर नहीं घुस पाया। खबरदार मेरे होटल के बारे में अनाप शनाप बोला तो। रणधीर सर, नॉर्मली जब आप होटल में कॉल करते हैं तो वो आपसे यही पूछते हैं ना, रिसेप्शन पे आप कॉल करो तो हाउ मे आई हेल्प यू। इनके होटल में कोई फोन करे ना बोलती हाउ विल यू हेल्प अस। हमारी हेल्प करें, हम उनकी हेल्प करें, हेल्प हेल्प में काम हो जाता है। अब उनका ख्याल रखना तो हमारा काम है ही। अब देखो उनके हेल्थ का कितने अच्छे से हमने ध्यान रखा था पैंडेमिक में, बहुत बहुत ध्यान रखा था। सी? उस दिन एक कस्टमर आया ना जिन्होंने कमरा लिया, उसमें यहाँ नाक में चींटियां घुस रही थी, उसने कंप्लेंट की, कहती सर वो RT-PCR टेस्ट कर रही है, प्लीज कोऑपरेट। ये सब करते ही नहीं सर, आप प्लीज इसको इग्नोर कीजिए, आप मेरे होटल आइए, मेरे होटल को 4 चांद लग जाएंगे। 4 बल्ब लगा पहले, अंधेरे में आपस में टकरा रहे कस्टमर। उस दिन एक बंदा आया, कहता मेन्यू में क्या है, कहती मेरा तो पेट खराब, मैंने खिचड़ी बनाई आपके लिए भी गर्म कर दूं। ये होटल का मेन्यू होता है, तुम्हें बड़ा पता है मेरे होटल के बारे में। सर आप फुल फैमिली आओ, मेरे पास आपके लिए फुल स्पेशल गोल्ड पैकेज है। कभी मत जाना रणधीर सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मत जाना, आपका भी गोल्ड उतरवा लेगी ये। उस दिन बप्पी लहरी आए इनके होटल में ठहरने, हाँ बेचारे सोए, उनके सारे गहने उतार लिए, सुबह ऐसे गए वो कि मेरे गहने कहाँ गए। उन्हें हमारे यहाँ का सर्विस इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने आप से सारा गोल्ड हमें गिफ्ट कर दिया। कपूर, दैट्स अ सर्विस। करिश्मा मैम, हमारे होटल में देयर इज अ सोना बाथ फैसिलिटी। सोना बाथ कोई नहीं है, इसने अपने चाचा को हुक्का देके बिठा रखा है, वो धुआं धुआं करता रहता है, लोगों को लगता है वो बगल में बैठा रहता है, वो किसी का हुक्का पानी चल रहा है, चलने दो ना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ देखिए करिश्मा मैम, आप में और मुझ में ना एक सिमिलैरिटी है, ठीक है, जैसे आप कपूर फैमिली से पहली लड़की थी जो इंडस्ट्री में आई, वैसे बिल्कुल मैं इस शो में पहली ओरिजिनल लड़की हूँ।
वो भी क्या लड़की हुई जिसको बताना ही पड़ जाए कि मैं ओरिजिनल हूँ। बस इतने से टैलेंट से लोग लाखों कमा रहे हैं, देख लो आप। करिश्मा मैम, आप प्लीज मुझे एक टिप दो ताकि मेरी लाइफ में भी एक हीरो नंबर वन आ जाए। ओहो, मैं भी वेट कर रही हूँ उसके लिए। तो मैं कैसे टिप दूँ आपको? आप मुझे टिप दो। देख लो, 8 साल से यही हूँ मैं कि आपको टिप दूँ। यहीं पे बोलती हीरो नंबर वन बोल के मेरे को कोई टिप दो। बाहर जाके आर्टिस्टों को सीधा बोलती है, आपको शो अच्छा लगा तो कुछ भी जो आपको ठीक लगे उस पॉकेट में डाल दो। तुम्हारा क्या, मेरी लाइफ में मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। सर मैम, ये तो हमें कुछ बात करने देगा नहीं, तो आप जब मेरे होटल में आके चेकिंग करेंगे तब हम आराम से फुर्सत में बैठ के बात करेंगे। आई विल गो लुक आफ्टर माय होटल नाउ, बाय। तू मुर्गियां कहाँ लेके जा रहा है? सारी बेचारी मुर्गियां दब गई, अंदर मुर्गियों के अंडे टूट गए होंगे। मुर्गियां लेके कहाँ जा रहा है तू? ओए यार, एक कस्टमर था, उसको ताजे अंडे चाहिए थे। अच्छा, तो रोज रोज ताजे अंडे कौन देने के लिए जाए, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं मुर्गी दे जाता हूँ। दिमाग देख लो इसका। ओए, अकेली मुर्गी अंडा कैसे देगी? ये मुझे पता था, इसलिए मैं 2 मुर्गियां लेकर जा रहा हूँ। ओए बेवकूफ, इसको अकली नहीं बिजनेस करने की। हाँ। उसने, कस्टमर ने बोला मेरे को चूहे मारने वाली दवाई दे दो। हाँ। उसको तकिया दिया है, कहते इसका क्या करूं, कहते इसका दम घोट के मारो। ये देख लो, ये बिजनेस करेगा। कपो मेरी बात सुन लो, तुम ना मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मेरी। और तुम जो अंडर परफॉर्म कर रहे हो उसका क्या? उसकी मैं टेंशन नहीं लेता कपू शर्मा, वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तेरे चोट लगी जो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। कपू शर्मा मेरी बात सुन लो एक ध्यान से, इस साइकिल पर देखना मैंने सामान बेच बेच कर मल्टीनेशनल कंपनी बनानी है। अच्छा, साइकिल पे सामान डिलीवरी करके बनाएगा कंपनी? हाँ, लोग साइकिल से सरकार बना सकते हैं, मैं क्या कंपनी नहीं बना सकता। साइकिल से कुछ सीख, देख उसका भी करियर है। तेरा कब होगा? आप भी साइकिल से कुछ सीखो, साइकिल का स्टैंड है, आप मेरे लिए स्टैंड कब लोगे? ये आदमी इतना मेरा दिमाग खराब करता ना, उस दिन ट्रेन में गया, फटाफट रुमाल रख के बोलता ये सीट मेरी है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी मुझे बताओ? तेरी सीट कंफर्म थी तो फिर उल्लू। मेरी बड़ी बेइज्जती कराता है। उस दिन सब्जी खरीदने गया, सब्जी वाला कहता झोला लायो, कहता हाँ लाया हूँ, कहता फिर अपने मुंह पे पहनो, हमें डरा क्यों रहे हो? कपूर शर्मा, अब मैं वो चंदू नहीं रहा। तो ये वाला भी कोई खास नहीं है। नाइजीरियन समोसे तू क्या है? क्या एक तो तुमसे बात करने बेकार है। हाँ, तुमसे बात करके मैंने बड़ी पीएचडी कर ली। हाय, हेलो। हाँ नहीं नहीं, मैं पहुंची, मैं लेट हूँ, मैं अभी पहुंचती। ओए 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 बुरी, आज तो तुम जहर लग रही हो, खा के मर जाओ। तो मेरी बात सुन। हाँ जी। ये क्या ड्रेस है, तू पंखे में आ गई थी? ओह गॉड, कसम से ऐसा लग रहा है मुर्गी नाले में गिर गई थी। बुरी, वैसे ये बता तुम आज ओवर तैयार होकर किधर जा रही हो? मैं वहां जा रही हूँ जहाँ तुम जाने की सोच भी नहीं सकते। सीधा बोलना, जेल जा रही अपने बाप से मिलने। तो मेरा बाप तो तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर गया था। तुम्हारे बाप ने उधर बिठा लिया। और मेरी बात सुनो, तुम दोनों छोटी मोटी चोरी करके तुम भी जेल चले जाओ, तुम्हारा बाप कन्या दान कर देगा, और तेरा तो वैसे दान लेता रहता है। डेस्टिनेशन वेडिंग हो जाएगी तुम्हारी। ये सही बात है, डेस्टिनेशन वेडिंग उधर हो जाएगी, और मीडिया भी हमें परेशान नहीं करेगा। मीडिया तो तुम्हें कभी करता भी नहीं, तुम मीडिया को करते हो। बुरी, मेरी बात सुनो, डील डन हो गई है, और तुमने ड्रेस भी वैसी पहनी हुई है। एक्सक्यूज मी, ऐसे ड्रेसेस मॉडल्स पहनते हैं, तुम्हें तो फिर तुमने क्यों पहनी है? इसकी मॉडलिंग का मैं बताता हूँ। जहाँ मॉडलिंग होती है ना वहाँ चली जाती है। अब लड़कियां जाती है मॉडलिंग करने, यूं करके मॉडल है ना, उसके बाद वापस पलट जाती हैं। ये वापस नहीं पलटती, ये सीधा भाग जाती है। कहती 1,000 रुपया पेमेंट,
और 2000 की ड्रेस तो मैं 1000 फायदे में हूँ। ऐसे काम करती है ये। यार इसको कुछ नहीं पता। देखो कप्पू, बड़े बड़े फैशन शोज में मैं शो स्टॉपर होती हूँ। सही बात है, जिस शो में जाती है शो स्टॉप करके आती है। ये ड्रेस भी ऐसी पहन के जाती है इसलिए शो स्टॉप हो जाते हैं। ओह, तुम्हें तो फैशन का कोई सेंस है ही नहीं। फैशन का कुछ पता है? ये आज के जमाने का फैशन है, सब एक हाची से ली है। ए, मलाड वाला सब्वे नहीं है? उसके नीचे इसकी चाची बैठती, 13 रुपए में कुर्ता सिलती है, ये उसने सिल के दिए, झूठ बोलती है। यार तुमको ना फैशन का कुछ नहीं पता कप्पू। कुछ नहीं, इसको बड़ा पता फैशन का। ए, क्यों पहनती है ऐसे कपड़े? तुम फंक्शन में कौन जाओगी? ऐसे ड्रेसेस मेट गाला में पहनती, वहां पे 4 लोग होते हैं जो ये ट्रेन पकड़ते हैं। पकड़ो। पूरी मेरी बात सुनो, परफॉर्मेंस साइड पे रखो, मुझे एक बात बताओ, रवि किशन वाले एपिसोड में थी तुम? नो। जब तुम रवि किशन के एपिसोड में अलाउड नहीं हो तो तुम्हारा मेट गाला का बातें करना बनता है? हटा, मेरे को टाइम पे सामान डिलीवरी देने के लिए जाना है। टाइम पे डायलॉग तो डिलीवर होता नहीं, चला सामान डिलीवर करने। ओए तेरा मेट गाला बिखर रहा है, नीचे देख। और तुम्हें शर्म नहीं आती एक जवान लड़के की डायलॉग डिलीवरी देखते हुए? तुम्हारी वजह से मैं लेट हो रही हूँ, मुझे शादी में जाना है। तो शादी में अकेली जा रही हूँ, दूल्हे को नहीं लेकर जाना साथ में? दूल्हा तो चलो वहां पे मिल जाएगा, घोड़ा तो ले जाओ साथ में। बुरी, और तुम्हारे होने वाले पति को घोड़ा बोल रहा है, कुछ तो बोलो। इस उम्मीद में मत रहना कि मैं तुम्हें चना खिलाऊंगी। तो कोई बात नहीं, फिर शादी का खाना खिला देना, काफी टाइम हो गया खाना खाए हुए। तुम्हारे जैसे लोग अलाउड नहीं, इट्स अ बिग फैट इंडियन वेडिंग। बिग फैट इंडियन वेडिंग? ये सारे मोटे मोटे लोग आएंगे उधर? बिग फैट इंडियन वेडिंग मतलब अमीरों की शादी। तुम्हें अमीर लोग कब से जानने लगे? मेरे फ्रेंड सर्कल में सारे अमीर ही हैं चंदू। फ्रेंड सर्कल में तुम्हारे ये जो जुहू सर्कल पे खड़े होके ऐसे ऐसे करती है, उसको फ्रेंड सर्कल नहीं बोलते? उन लोगों की गाड़ियां निकलती है ना उधर से, तो उनका शीशा खटखटा के बोलती है, चेतन भगत की 80 रुपए, रस्किन बॉन्ड की 70 रुपए। फर्स्ट कॉपी बुक बेचती है ये, असली बुक पढ़ती है, उसको पढ़ पढ़ के खुद हाथों से लिखती है, 3 साल में 80 रुपए कमाती है ये। चेतन भगत की बुक 90 रुपए, रस्किन बॉन्ड की 120। गेट योर फैक्ट्स राइट कप्पू। तो बताया था मैंने आपको। गए हो कभी किसी बड़ी सी शादी में जो तुम हंस रहे हो यहाँ खड़े होके? हाँ, मैंने अकेला, सारे हंस रहे हैं। ओए तू कभी अमीर शादी में गया? मैं गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं, घाटे का सौदा होता है। क्यों? मेरे को कहने लगा एयरपोर्ट पे गाड़ी भेज देंगे आपके लिए। अच्छी बात है। कहाँ अच्छी बात है, मैं गया ट्रेन में था। आगे से मैं 900 रुपए की टैक्सी करके मैं एयरपोर्ट पे गया, 1300 रुपए मेरे को वेडिंग पड़ी, शगुन डाला वो अलग से। लेकिन एक बात है, अमीरों की शादी में गुलाब जामुन खत्म हो जाए तो उसी टाइम आ जाते हैं। हम जैसों की शादी में अगर गुलाब जामुन खत्म हो जाए, लोग कहते हैं नहीं छोड़ो छोड़ो, इधर फेरे शुरू हो गए, आओ। इन लोगों का ध्यान खाने पे रहता है। इसके चाचा की शादी, पंडित कहता है जल्दी करो मुहूर्त निकला जा रहा है, कहता तुम्हें मुहूर्त की पड़ी, उधर गर्म गर्म पूड़ियां निकली जा रही है। ये पूड़ियां ऐसे खाने गया, उनकी दुल्हन भी निकल गई। और इनके जब चाचा की शादी हुई, ओहो पंडित कहते हैं चलो जी चलो अब मंगलसूत्र को दुल्हन के गले में डालो, कहता हूँ इतना महंगा बनाया मैं अपने गले में ना डालूं। और मैं इसके पापा को ही चाचा बोलता हूँ। ओहो, तुम लोग की बातें खत्म नहीं होने वाली, मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ, बारात आ जाएगी। ए, इधर बात सुन, इधर शादी में जा रही, शादी में शगुन वाला लिफाफा दिखा, ये देख, एक मिनट दिखा मेरे को, यहीं से पता चलता है चीजें मांगी हुई है, मैच ही नहीं कर रही। व्हाट इज दिस? एक मोबाइल फोन और एक शगुन का लिफाफा। व्हाट इज दिस? एक सेकंड। डियर दूल्हे के पिताजी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, हम बहुत गरीब हैं, मेरे भाई को पेट की बीमारी है, हर 2 घंटे में भूख लग जाती है। हर संडे के संडे जूस भी मांगता है, कृपया आप मुझे 50,000 दे दीजिए, मेरा भाई दुआ देगा। ये करने जा रही शादी में तू? कप्पू, इतने लोगों का लिफाफा नहीं लेते। बुरी, बुरी मेरी बात सुनो,
कौन है ये जिन्होंने इतने अच्छे गाने पे एंट्री ली है? किसकी तलवार पर सर रखूं बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। अरे ये डायलॉग तो दीपिका का है, लेकिन ये कहीं से भी दीपिका नहीं लग रही है। तो कहां से लगेगी? बोल तो रही है सजा दो मुझे, अभी पूरी सजी नहीं है, मेकअप आधा हुआ है, सजना बाकी है अभी। दीपिका पादुकोण, ओ माय गॉड, आई एम सच अ बिग फैन ऑफ योर्स। आप अब अकेले क्यों आई? रणवीर सिंह को क्यों नहीं लाए साथ में? मैं दीवानी। देखिए, रणवीर सिंह आ रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में पार्टी हो रही थी, तो उधर डीजे बज रहा था। अच्छा। तो आपको तो पता है कितने नचेड़े हैं, बहुत बड़े, वो उधर नाचना शुरू कर दिया है, अकेली आ गई। अच्छा, वो वहाँ पार्टी में चले गए। तो एक मिनट मैडम, आप उनके साथ उस पार्टी में नहीं गई? मैं दीवानी हो गई। चुप रह, अपनी कटोरी संभाल के रखो। तो देखिए, नहीं नहीं शादी हुई ना अभी, नई नई बहू को पार्टी में भेजेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे अच्छा लगता है? अरे ये यहाँ पे भी तो पार्टी में ही आई है ना। और क्या? हाँ, तो इधर कौन सा पूरी आई, आधी भेजी ना उन्होंने। आपने कितनी पेमेंट की बात हुई थी? 10 लाख। 10 लाख की तो आपने कितने दिए? 10,000। 10,000 में फिर इतने ऐसे ही आएगी थी? सुनिए, हमें आपसे 2 मिनट बात करनी। मेरे पास टाइम नहीं, अंदर जाकर खाना खाओ, चलो। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ तब से इतने बड़े बड़े स्टार से आप ऐसे बात कर रहे हो यार। ये कौन सी स्टार है? ये स्टार नहीं है। नहीं, स्टार है। मेरा मतलब है, ये भी स्टार है, लेकिन असली स्टार वो होते हैं जो देश के लिए कुछ करते हैं। जैसे सानिया मिर्जा होगी, कपिल देव हो गए, अर्चना पूरन सिंह हो गई। अच्छा। इन्होंने देश के लिए क्या किया है? इन्होंने देश के एक मंत्री को रेस्ट दी है। बंदरिया आगे जल्दी चल। सुन, तूने सुना सेव वाटर आधा आधा घंटा पानी चला के नहाती रहती है? अरे ये आलिया दीपिका को डांट रही है। हाँ? अरे वो सीनियर है इससे। हाँ, तो वो हम्बल है ना, डाउन टू अर्थ है, वो बिल्कुल भी है ही नहीं एटीट्यूड की मैं छोटी हूँ। अरे छोटी है तो बड़ी को एटीट्यूड होना चाहिए ना। तो बड़ी जो है वो महेश भट्ट से तो छोटी है ना। महेश भट्ट कहाँ से आ गया? कश्मीर से आ गया महेश भट्ट, कहाँ से आ गया? क्या मतलब, क्या कमाल कर रहे हैं, वो तो अनुपम खेर से पहले आ गए थे, आपको पता ही नहीं है, पागल कही है। आप लाइए मेरे को, बाकी का पेमेंट दीजिए आप। जी हाँ, जल्दी से पेमेंट कर दीजिए, मुझे चप्पल लेनी है। चप्पल लेनी है? हाँ हाँ, मैडम की नई फिल्म आ रही है, वो कंजा कीला कंसाली की फिल्म आ रही है, मुझे चप्पल लेनी है, हिस्टोरिकल मूवी है। एक मिनट दीपिका, चप्पल तो बाद में लेना, पहले भैंसों के लिए चारा लेना है। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ आलिया की नई फिल्म आ रही है, भैंसों के लिए चारा लेना है? वाह, आपको तो सारे पता है। आप तो पक्का वो सीक्रेट बॉलीवुड मैगजीन पढ़ते हैं आप। एक मिनट, ये सब बातें बंद कीजिए, मैं कब से बोल रही हूँ आप बच्चन साहब को बुलाइए, वरना हम जा रहे हैं। अरे जा क्यों रहे, मैं बुलाता ना बच्चन साहब को। कप्पू, कृष्णा ने ज्यादा पी ली है, वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, तुम संभाल लो। अब मैनेजर साहब, अब चलिए यहाँ से। अरे आप कहाँ जा रही हैं? मैं जा रही हूँ। रुकिए, बच्चन साहब आ रहे हैं। उन्होंने नहीं आना, ज्यादा पी ली है कृष्णा ने। पी ली है आलिया? अरे आलिया आलिया में भी बच्चन साहब। चलिए चलिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।